मैं लगातार कई दिन से फील्ड में हूँ। मैं रात के 2-2 बजे तक फील्ड में रहती हूँ। मटोर गांव में मेरी 70 से 75 चाय थी और मैं रात के 1 बजे तक 2 बजे मैं घर पहुंची थी। ये जनता पार्टी के प्रत्याशी की किसी से टक्कर नहीं है, खुद आप से ही टक्कर है। चाहे इसमें पुराने हैं चाहे नए हैं, अच्छी बात है, नए भी आने चाहिए। ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। कहते भी आप हमारा कार्यकाल देखो 10 साल का और उड्डा का सरकार का कार्यकाल देखे। कलाया से पूर्व राज्य मंत्री कमलेश डांडा हमारे साथ है, मैम बहुत बहुत स्वागत है आप। धन्यवाद जी, आपका भी स्वागत है, आपके चैनल का, दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। इस तरीके से समर्थन मिल रहा है मैम, अभी आप 2 गाँव क्रॉस करके आई हैं। देखिए अभी तक मैंने 3 गांव क्रॉस किए हैं और मैं अब 4th गांव में आई हूँ। पहले मेरा गांव भाड़ंग था, कलास्तर और खेड़ी सिरखा से मैं अभी होके आई हूँ, तो अब मैं 4 गांव में आई हूँ। आप देख सकते हो लोगों में कितना उत्साह है, कितना मैं कहूँगी भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक इतना समर्थन सहयोग मेरे को जनसैलाब मिल रहा है और मैं लगातार कई दिन से फील्ड में हूँ। मैं रात के 2-2 बजे तक फील्ड में रहती हूँ और इतना रात को भी लोग चाय के प्रोग्राम, कल मैं मटोर गांव में थी, मटोर गांव में मेरी 70 से 75 चाय थी और मैं रात के 1 बजे तक 2 बजे मैं घर पहुंची थी, तो इतना जन समर्थन सहयोग मेरे को मिल रहा है। आप देख सकते हो भारतीय जनता पार्टी के उसमें समर्थन में लोग अपना वोट की अपील करने का काम कर, वोट देने का काम कर रहे हैं। किसे अपनी टक्कर मानती है मैडम आप? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की किसी से टक्कर नहीं है, खुद आप से ही टक्कर है। और आज मैं कहूँगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में बनेगी और कलायत में कमल का फूल अवश्य खिलेगा। 2 पुराने राजघराने भी आपकी टक्कर में देखे जा रहे हैं मैम, इसके अलावा आज़ाद प्रत्याशी भी हैं, किस तरह का चुनावी माहौल या अपना तजुर्बा क्या कहता है मैम? देखिए सभी अपना अपना चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे इसमें पुराने हैं चाहे नए हैं, अच्छी बात है, नए भी आने चाहिए। ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का भी, टिकट मांगने का भी, अपनी अपनी बात रखने का भी। फिर भी मैं कहूँगी मेरे ऊपर जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने मेरे को प्रत्याशी बनाकर भेजा है, मेरी कलायत विधानसभा के 66 के 66 गाँव ने 36 बरादरी मेरे को आशीर्वाद दे रही है और बड़ा जन समर्थन सहयोग मेरे को मिल रहा है। क्या लगता है 5 साल का जो कार्यकाल रहा आपका मैडम, उसको लेकर के लोग इतने आश्वस्त हैं कि आपको फिर से एक बार चुनाव जिताएंगे? बिल्कुल आश्वस्त हैं और जो कार्य हमने किए हैं 10 सालों में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आप अंदाज़ा लगा सकते हो पहले की जो 10 साल की हुड्डा की सरकार रही और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमने पंपलेट भी छपवाए हैं और मैं लोगों के बीच में दे भी रही हूँ, उसको देखते मैं कहते भी आप हमारा कार्यकाल देखो 10 साल का और उड्डा का सरकार का कार्यकाल देखे, आप देखेंगे उसमें कितना अंतर है। चाहे उसमें किसानों की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे उसमें युवाओं की बात हो, चाहे गरीब व्यक्ति की बात हो, सबको मजबूत करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और लगातार ऐसे ही करने का काम करेगी। आखिरी सवाल मैडम, कलायत की जनता से क्या अपील रहेगी कि दोबारा से आपको मौका दे कमलेश डांडा दोबारा से MLA बने या दोबारा से आपको मंत्री बनाया जाए? देखिए मैं कलायत वासियों से यही अपील करूंगी, जो हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 सालों में कार्य किए हैं, उसको देखते हुए मेरे को एक छोटी सी कार्यकर्ता को जो शीर्ष नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर भेजा है, मैं सबसे निवेदन करती हूँ जिस तरीके से 2019 में मेरे को आशीर्वाद देने का काम किया था, दोबारा से फिर मेरे को आशीर्वाद दें और अपने विधानसभा के जो विकास कार्य हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करें। जो विकास कार्य हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किए हैं पहले की सरकारों में कभी नहीं हुए। कलायत विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ की हमेशा अनदेखी रही है और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो बहुत से काम हरेक गाँव में, चाहे ICBC की चौपालें हों, चाहे फिरनियों की बातें की बात हो, चाहे गलियों की हो, चाहे ट्यूबवेलों की, पीने के पानी की हो, निकासी की हो, फिर भी जो कमियां रही हैं, मैं सबसे यही अपील करूंगी भी आप एक बार मेरे को मौका दें और आप मेरे को मौका देंगे, आशीर्वाद देंगे तो हम और ज़्यादा काम कराने का काम करेंगे। यही अपील मैं सभी कलायतवासियों से करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। बिल्कुल, तो पूर्व राज्य मंत्री कमलेश डांडा हमारे साथ ही 4 गांव में इस वक्त ये जनसभा इनकी आयोजित हो रही है और इसी दरमियान लोग ये नारे भी लगा रहे हैं कि बेशक वो 5 साल MLA रही, उनको राज्य मंत्री भी बनाया गया, लेकिन दरखास्त ये भी है, लोग नारे भी लगा रहे हैं कि उनको फिर से एक बार मंत्रालय मिले और वो फिर से कलायत हल्के को लेकर काम करें। फिलहाल 4 गाँव से अब जनसभाएं देख रही हैं और इस 54 ऋषि की धरा पर वो पहुंची हैं। हालांकि लोगों का क्या कुछ कहना रहेगा, क्या वो दोबारा से इन पर विश्वास जताएंगे, देखने वाली बात होगी। कैथल बैग न्यूज़ के साथ इतना ही।